झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। भारत सरकार ने पिछले सप्ताह गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस फैसले से मध्य प्रदेश और पंजाब में भारी आक्रोश है। किसान और व्यापारी संगठनों का कहना है कि सरकार उन्हें ज़्यादा दाम मिलने से रोक रही है। मध्य प्रदेश के एक व्यापारी संगठन ने केंद्र सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि हमने निर्यात के लिए अधिक कीमत पर गेहूँ खरीदा है, गेहूँ खरीद जिसे अब रोक दिया गया है। वहीं पंजाब के किसान संघों ने इस फैसले को किसान विरोधी करार दिया है। मध्य प्रदेश सकल अनाज दलहन तिलहन व्यापारी संघ समिति के अध्यक्ष ने कहा है कि राज्य सरकार ने इस बार व्यापारियों को गेहूं निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित किया था, जिसके बाद उन्होंने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक कीमत पर जमकर गेहूँ खरीदा था, लेकिन अब उनके निर्यात सौदे केंद्र के प्रतिबंध के कारण अटके हुए हैं। साथ ही उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार व्यापारी और किसानों दोनों के हित में प्रतिबंध हटाकर गेहूं का निर्यात बहाल करे। वहीं हालांकि केंद्र सरकार द्वारा निर्यात बहाल नहीं किया गया, लेकिन कुछ छूट दी गई है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को गेहूं के निर्यात पर रोक में कुछ ढील देने का ऐलान किया था। सरकार की ओर से कहा गया कि जहां कहीं भी गेहूं की खेप जांच के लिए सीमा शुल्क विभाग को सौंप दी गई है और 13 मई को या उससे पहले सिस्टम में दर्ज की गई है, वहां ऐसी खेप को निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी। वहीं कुछ दिन पहले पंजाब के किसान ने मार्च महीने में भीषण गर्मी के कारण अनाज सिकुड़ने से उपज में आई गिरावट की भरपाई के लिए सरकार से 500 रुपये प्रति क्विंटल बोनस की मांग की थी। बोनस की घोषणा नहीं करने पर किसानों ने सरकार की आलोचना की। वहीं किसानों ने कहा कि पंजाब में कई किसान खासकर बड़े गेहूं उत्पादकों ने फसल को बाद में अधिक रिटर्न की उम्मीद में रखा है। भारतीय किसान यूनियन के महासचिव ने कहा कि ये किसान विरोधी फैसला है। उन्होंने कहा कि निर्यात प्रतिबंध उन किसानों को प्रभावित करेगा जिन्होंने घरेलू बाजार में कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद में फसल का भंडारण किया था। वहीं भारतीय किसान संघ के महासचिव ने भी केंद्र सरकार के फैसले की निंदा की। उन्होंने कहा कि ये फैसला किसानों के हित में नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊंची कीमतों का फायदा उठाने के लिए सरकार को निर्यात जारी रखना चाहिए था। वहीं पंजाब सरकार ने राज्य की 232 मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर गेहूं की खरीद 31 मई तक जारी रखने का आदेश दिया। वहीं राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा था कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध की संभावना है घरेलू बाजार में अनाज की कीमतों को कम करने के लिए। पंजाब से गेहूं की खरीद भी कम उपज के कारण 132 लाख टन के लक्ष्य से कम रहने की संभावना है। वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मंडियों में अब तक पहुंचे 102.27 लाख टन अनाज में से सरकारी खरीद एजेंसियों ने 96.17 लाख टन गेहूं की खरीद की है, जबकि निजी व्यापारियों ने 6.10 लाख टन की खरीद की है। भारत ने अपने मुख्य अनाज की कीमतों में भारी वृद्धि को रोकने के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस चिंता के बीच भीषण गर्मी और गर्मी के लहर के कारण गेहूं का उत्पादन प्रभावित होगा। केंद्र ने कहा है कि पड़ोसी और कमजोर देशों की खाद्यान्न आवश्यकता को पूरा करने के अलावा इस फैसले से गेहूं और आटे की खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, जो पिछले एक साल में औसतन 14 से 20% तक बढ़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।